हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग इन इंग्लिश पार्ट वन हैंड राइटिंग एनालिसिस। इसके लिए तुम्हें चाहिए एक पेन, एक बुक एंड एक कॉपी। अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से कोई भी पैराग्राफ बिना ध्यान दिए एज यूजुअल जैसे तुम लिखते आए हो ठीक उसी तरह लिखो। लिखने के बाद तुम देखोगे कि तुमने हर बार की तरह इस बार भी गंदा ही लिखा है। बट वेट, असली काम तो अब शुरू होता है। तुम केवल इन 5 चीजों को अपने लिखे पैराग्राफ में चेक करो जिन्हें इम्प्रूव ना करने की वजह से तुम्हारी हैंड राइटिंग दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो तुम देखोगे कि तुम्हारे वर्ड्स के बीच अनइक्वल लेटर्स स्पेसिंग है जिससे एक वियर्ड सा पैटर्न देखने को मिलता है। कोई लेटर बड़ा लिख दिया, कोई लेटर छोटा लिख दिया, यानी कि अनइक्वल हाइट है। ये ऐसा लगता है मानो भीड़ में कोई लंबा आदमी खड़ा हो। एंड एक ही पैराग्राफ में तुमने न जाने कितने हैंड राइटिंग स्टाइल्स को फॉलो कर लिया जैसे कर्सिव स्टाइल, प्रिंट स्टाइल एंड इटैलिक स्टाइल। तुम्हारे असेंडर्स डिसेंडर्स भी इम्प्रॉपर है। ऊपर से कुछ लेटर्स इतने स्लैंटेड है कि कर्सिव भी शर्मा जाए। अगर तुम इन 5 फैक्टर्स को अपनी हैंड राइटिंग में इंप्लीमेंट करते हो, इन पर ध्यान देते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी राइटिंग अच्छी बन जाएगी। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जय हिंद।